हाय दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे आपके जो कांटेक्ट होते हैं, मतलब मोबाइल कांटेक्ट, जैसे आपने किसी का भी नंबर सेव किया है या फ़ोन नंबर, तो आप उनको मतलब जीमेल में कैसे सेव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यदि आप जानना चाहते हैं कैसे आप जीमेल पर सेव करेंगे या करने की सेटिंग क्या है मोबाइल फ़ोन पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बिल्कुल आसान सी ट्रिक में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिल्कुल आसानी से अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको अपने जीमेल अकाउंट पर कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जीमेल अकाउंट पर सेव करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है, आप तो जानते हो कि जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन मान लीजिए बंद हो गया और आपने पूरे कॉन्टैक्ट अपने जीमेल पर सेव किए हैं या तो कुछ हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो जैसे ही अपना जीमेल लॉगिन करेंगे तो पूरे कॉन्टैक्ट आपके बैक वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इस फीचर्स का यूज करके आप अपने कॉन्टैक्ट को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं फ़ोन पर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर कॉन्टैक्ट का एक आइकॉन होगा, ऐप टाइप का, उसको ढूंढ लेना, जैसे ये है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखिए प्लस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सेव टू का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप जीमेल अभी मैं करके रखा हूँ, फ़ोन कर देंगे फ़ोन में होंगे, सिम वन में होगा तो सिम वन में, टू में तो टू में, जो भी आप करोगे। तो मैं अभी यहाँ पर मेल कर, आप यहाँ अपना भी मेल कर लेंगे। तो आप जैसे ही आप कॉन्टैक्ट को सेव करेंगे, डन करेंगे, तो ये आपके जीमेल अकाउंट पर सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कैसे बिल्कुल आसानी से कोई भी कॉन्टैक्ट को अपने जीमेल अकाउंट पर बिल्कुल आसानी से सेव कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। और इसी तरह के ट्रिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।